बरादरी मेरे को सब आशीर्वाद दे रही है और मैं उनकी तरह अच्छी तरह से मैं खराब करूंगा। ऐदनापुर में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है और प्रत्याशी जीत की उम्मीद में है, लेकिन नगर की जनता अभी हवा का रुख देख रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा ऐदनापुर के मतदाताओं का आशीर्वाद पाने के लिए गली मोहल्ले में और हर घर मतदाता का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। मतदाता से ऐदनापुर के विकास का वादा भी कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना था कि डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जीतने के बाद अपने विकास के वादों पर खरा उतरेंगे। वह सरल और सीधे स्वभाव के हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई घमंड नहीं है और चुनाव जीतने के बाद वह ऐसे ही सरल स्वभाव के रहेंगे। डॉक्टर सुरेश कुशवाहा ने बताया कि झोली फैलाकर सम्मानित मतदाताओं से समर्थन की भीख मांगता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐदनापुर की सम्मानित जनता मुझे जीत का पूर्ण आशीर्वाद देगी। नई बस्ती में गणेश नगर, नहर कोटी, अमर विहार कॉलोनी, इन सभी का मुझे जनसंपर्क कई दिन आपको हो गए जनसंपर्क करते हो, क्या दिख रहा है? जनता मेरे साथ है, सारा जनसमूह मेरे साथ है, पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा है। सारतो बरादरी मेरे को सब आशीर्वाद दे रही है और मैं उनकी तरह अच्छी तरह से मैं खरा उतरूंगा। विकास तो होना ही होना है और चारों तरफ जो है विकास की गंगा बहा दूंगा मैं, लेकिन सातों बरादरी मतलब सभी समाज का मुझे अच्छी तरह से आशीर्वाद मिल रहा है और मैं उनको बहुत खरा उतरूंगा। मैं चुनाव आते आते मीटिंगें भी होंगी, ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? नहीं, मैं सब ऐसी जनता बिल्कुल पूरा समर्थन दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास कार्य साइलेंट वोटर है और नहीं, विकास जनता मेरा पूरे अंदरू में बहुत मदद सपोर्ट कर रही है और मुझे आशीर्वाद और प्यार दे रही है और मैं मेरा मुख्य रूप होगा, मैं विकास का ही गंगा बहाऊंगा, सबका ताऊ चाचा सबका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ये बात बोल रहे थे कि जब हो जाओगे तब लोग नहीं देखते जनता को, तो आप यही व्यवहार है, यही फिर रहेगा? नहीं, मैं जैसे अब हूँ तैसे उससे भी ज़्यादा और जनता से प्रेम और संबंध और 24 घंटा उनका साथ दूंगा मैं। अच्छा, और उनका सेवक बन के उनकी सेवा करूंगा मैं। क्या समस्या है, कुछ नजरों में है समस्या? हाँ, न पानी आने, नल की करंजा और हाउस टैक्स वगैरह ये मतलब बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए मैं हाउस टैक्स नल पूरा माफ करूंगा मैं। माफ करूंगा। दिल्ली मॉडल ला रहे हो क्या अरविंद केजरीवाल जैसा? कुछ भी सही, मैं चाहे मुझे अपना कहीं से भी करना पड़े, लेकिन मैं जनता के लिए, गरीब जनता के लिए हाउस और नल टैक्स पूरा माफ करूंगा मैं। और क्या कहना चाहोगे यहाँ की पब्लिक के लिए? पब्लिक मुझे बहुत प्यार दे रही है, पब्लिक तो मुझे इतनी खुश है, मतलब मैं करना चाहोगे कुछ उनसे? पब्लिक से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ कि मुझे सभी समाज का धर्म मुझे आशीर्वाद दे, मैं नमन करता हूँ, मुझे अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ जनता से, मुझे एक आशीर्वाद है, मुझे उस सीट पर बैठा ले, फिर आपका सेवक बन के मैं हमेशा कार्य करूँगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। नहीं रहता हूँ नहरकोटी के पास। अब क्या लग रहा है, चुनाव है, चुनाव में किसका रंग दिख रहा है? चुनाव में तो हमें अपना ये दिखाई दे रहा है, अपना जोर हो किसी का तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सामने साइकिल का, साइकिल और ये फूल और भाती का जाएंगे? हमें किसी का आती है फूल की पता नहीं है, हमारा तो बजट जो है हम अगर कहीं अंत देते हैं या कुछ भी करते हैं हमारा तो कोई मान्य नहीं होता, इसलिए क्यों होगा कहते कहते जो है किसी का है कोई उसका है। तो क्या इस बार जो सपा वाले हैं सब साथ हैं डॉक्टर साहब के कि नहीं है? सब साथ हैं। कौन कौन जाति साथ है? सब जाति साथ है, जैसे केवल जो कहते थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, सब जाति साथ में। सपा वाले जैसे यादव हैं, मुसलमान हैं, सब साथ हैं? सब साथ में। कौन कौन बताओ आप अपनी तरफ से भाई, कौन कौन साथ हैं? सब मुसलमान भी है और जो तुम्हारे जो बनिया लोग ये भी हैं और सब मुसलमान सब जाति में सब मिल सब है। यादव जाति सब जाति है, यादव जितना है उतना सब है। अच्छाई है तो वो आ जाए, दूर से गई दिखाई देती है कि अच्छाई है क्या है, अच्छाइयाँ होती तो उनके लिए इतना वो होता, प्रयास किया जाता है। जो चुनाव अभी जो चेयरमैन थे उन्होंने तो विकास कराया? विकास कराया वो ये नहीं कह सकते हैं, मेरे को नहीं पता है कि विकास हुआ है क्या। अब क्या होगा, अब क्या होगी दिल्ली? अब वो उम्मीद दिखाई दे रही है, बताएंगे क्या समय आएगा वो भी बता देंगे कि जैसे वो हो रहा। तो ठान ली है पक्की? पक्की। किस पर वोट? साइकिल पर। साइकिल पर दौड़ रही है साइकिल? अरे दौड़ रही।